प्रशासन के खिलाफ किसान संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। जी आपको बता दें, बड़ी खबर सीतापुर जनपद से आ रही है। बता दें कि जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें ये आरोप भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट ने लगाए हैं। बता दें कि धर्मेंद्र गुट ने कोतवाली सिधौली के शहीद स्मारक पर ज्ञापन दिया है। किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट ने 6 सूत्री ज्ञापन को लेकर एक ज्ञापन दिया है। प्रशासन ने 15 दिनों का समय मांगा है। बता दें कि कार्रवाई होने पर किसान संगठन आगे की कार्रवाई करेगा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सीतापुर जनपद से संवाददाता संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आज किसान संगठन ने जो धरना दिया है, क्या है पूरा मामला जरा? मामला ये है, हमारे चिकित्सा हॉस्पिटल के डॉक्टर उषा, उन्होंने एक संगठन के पदाधिकारी से सफाई के नाम से 1500 रुपये की मांग की थी, जिसमें से उन्होंने 1500 रुपये लिए, उसके बाद वापसी भी किए। तो क्या है, मतलब आप लोगों ने धरना किस वजह से दिया है, क्या चाहते हैं? इस पे सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ऐसे ही रहा तो आम आदमी, गांव किसान का आदमी आता है, वो कैसे अपना गुजारा करे? 200 रुपये 300 रुपये कमा के आता है, वो कैसे इनको बंदा सो 2000 रुपये दे के कैसे करे? अभी विगत दिनों आपने जो है अपने लेटर पैड पे एक ज्ञापन भी दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के कानों में जोर रखना है, सब क्या? पैसे का खेल चल रहा है। ये किस हॉस्पिटल का मामला है? ये सिधौली चिकित्सा हॉस्पिटल का। ठीक, जो आज आए थे अधिकारी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमको 15 दिन का आश्वासन दिया है, 15 दिन में कार्रवाई होगी। कौन कौन आया था आज? ये हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब आए थे, और हमारे सिधौली SO साहब आए थे। अगर आश्वासन के आधार पर कार्य नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? ये 15 दिन में अगर कोई कार्य नहीं होता, दोबारा रिटर्न ज्ञापन देकर किसान महा पंचायत फिर से होगी। आपका नाम? मोहम्मद फहीम, मंडल भारतीय किसान यूनियन।